अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज फॉर बायो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा लेक्चर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्सोनॉमिक लेवल। सो पिछली क्लास में मैंने आपको यही होमवर्क दिया था, तो आज हम यही पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द बायो मोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन कॉमा इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बायो मोलिक्यूल्स का मैंने आपको पढ़ाया था, और जब बायो मोलिक्यूल्स आपस में वर्कआउट टुगेदर करते हैं तो फॉर्म करते हैं सस्पेंशन कॉमा दिया हुआ, उसके बाद करते हैं ये एक प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म बनता कैसे है, ठीक है। तो एक प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म बनता कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। प्रोटोप्लाज्म तब बनता है जब ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस आपस में कॉम्बिनेशंस करते हैं, मतलब मिलते हैं, तो वो एक प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सो आगे है कॉमा, व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट्स कॉमा, जब प्रोटोप्लाज्म यूनिट के तौर पर काम करता है तो दिस इज कॉल्ड सेल, वो एक सेल बना देता है। पॉइंट, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस कॉमा, मतलब सेल एक हर एक जानदार का बेसिक यूनिट होता है, आपको पता ही होगा। सो हमें भी पता है। पॉइंट, व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिक टुगेदर इन अ ग्रुप्स, जब सेल मतलब टाइप्स के थ्रू मतलब सिमिलर टाइप्स ऑर्गेनिक सेल मतलब आपस में जब मिलते हैं सेल, तो वो कॉमा कॉल टिश्यूज पॉइंट, तो वो एक टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। तो जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आपस में मिलते हैं काम सरंजाम मतलब काम को सरंजाम देते हैं, तो वो एक ऑर्गन्स बना देते हैं। जैसे हमारी एक फिंगर हो गई, हमारा एक गुर्दा हो गया, से फेफड़े हो गए एक। फिर जब ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन आ कोऑर्डिनेट मैनर्स टू फॉर्म आ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सिस्टम, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं डिफरेंट मतलब आपस में मिलते हैं, सो वो सब कोई काम सर अंजाम देने के लिए मिलते हैं, तो फंक्शन मतलब कोई करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम डालते हैं। जैसे हमारे फिफड़े हो गए, मतलब दोनों आपस में मिल जाते, मतलब दो फिफड़े होते हैं ना, तो आपस में जैसे हमारी उंगलियां हो गई, फिंगर, एक फिंगर एक ऑर्गन, दूसरी फिंगर एक और, तो वो सारी मिल गई तो एक हाथ बन गया, वो क्या हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सिस्टम, ठीक है। व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनाइज सिस्टम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेशन इन हैज अ यूनिट कॉमा दे आर फ्रॉम आ बॉडी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइज सिस्टम आपस में फंक्शन इंसर अंजाम देने यूनिट के तौर पर, तो वो एक बॉडी बना देते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो अगला लेवल है, फोर्थ लेवल जो है वो टैक्सोनॉमिक लेवल पढ़ लेते हैं। पहले, दे इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस कॉमा द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉमा विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रिड एंड प्रोड्यूस फर्टिल स्पीशीज। सबसे छोटा यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल का। सो टैक्सोनॉमिक लेवल मतलब जिसमें ये ब्रांच है टैक्सोनॉमी, मतलब जैसे ब्रांच है ना एक बायोलॉजी की, तो इसमें हम टैक्सोनॉमिक लेवल में हम किसी को साइंटिफिक नेम या फिर कोई भी नेम देते हैं किसी चीज़ को। सो जब मॉर्फोलॉजिकली कोई काम होता है मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रिड होते हैं आपस में, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिल ऑफ स्पीरिंग, मतलब स्पीरिंग मैंने आपको स्पीरिंग मीन्स के हम जैसे एक बच्चा बनाते हैं, मतलब औलाद को स्पीरिंग कहते हैं, बच्चा तो एम्ब्रियो को कहते हैं, ठीक है। सो हमारा लेक्चर यहीं पर मुकम्मल होता है। सो अगर आपको पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और लॉजिकल सिस्टम और बायोस्फीयर लेवल के बारे में कुछ पता है तो मुझे बता देना। सो आप लोग मुझे लाजमी बताएँ कि कमेंट सेक्शन ऑन कैसे होते हैं। सो अगर आप मतलब नंबर देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप लोग मुझे लाजमी बताना, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में कैसे मतलब नंबर देते हैं, तो मैं दे दूँगा। सो आप लोग मुझे नंबर पर ही बता देना कमेंट सेक्शन ऑन कैसे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।